हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज एक्सेल में हम सब लाए हैं मैक्रोस। इससे पहले भी मैक्रोस का ऊपर बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बट आज का जो वीडियो है एकदम मैक्रोस को पूरा डिटेल्स में क्लियर करना है। मैक्रोस क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है ना, पूरा डिटेल्स में इसको क्लियर करना है। देखिए, मैं एक डेमो लाया हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेल सीट ओपन कर रहा हूँ। देखिए, मेरा एक्सेल सीट ओपन हो चुका है। देखिए, यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, कोई स्कूल का एक डेटा दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कौन सा सब्जेक्ट में किया, क्या मिला, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, पास सब्जेक्ट दिया हुआ है। पास सब्जेक्ट में सब बंदा को एक एक क्या क्या नंबर मिला है, ठीक है ना। अभी कितना में एग्जाम हुआ है वो भी दिया हुआ है, 500 में एग्जाम हुआ है। अभी मुझे माने स्कूल से एक प्रोजेक्ट दे दिया है, बोला बहुत सारा क्लास है, सब क्लास के लिए आप एक काम करो, एक छोटा एक रिपोर्ट बना के दो। क्या रिपोर्ट बना के दो? देखिए, मैं रिपोर्ट को निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर एक रिपोर्ट में सेम डेटा है, डेटा ऐसा ही है, डेटा का जो पैटर्न है ऐसा ही है, बट इसमें देखिए कितना सुंदर करके पैटर्न में बना के रखा हूँ। स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन। हाँ, क्लास क्या है, यहाँ पर मेंशन जो क्लास होगा उसको क्लास को मेंशन कर देना है, सेक्शन को भी मेंशन कर देना है। जो मार्क्स मिला है यहाँ पर दिया हुआ है, उसका मार्क्स टोटल कितना में एग्जाम हुआ था ये भी दिया हुआ है, इतना तो डेटा था ही। अभी देखिए जो मुझे निकालना है, ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितना मिला है, 5 मार्क्स लगा के टोटल कितना मिला है, देख लीजिए, शाम लगा के निकाला हूँ, ठीक है। उसका बाद देखिए बोला है परसेंटेज निकालो, तो हम सब परसेंटेज भी निकाल लिए हैं। अभी परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता नहीं है, तो मैं परसेंटेज के ऊपर दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेड देखिए, इफ कंडीशन लॉजिकल फंक्शन लगा के मैं ग्रेड निकाला हूं, ठीक है। आपको लॉजिकल फंक्शन इफ को पता नहीं है तो इसका ऊपर भी वीडियो है, आप सब देख सकते हैं। उसका बाद क्या है, स्टेटस रिपोर्ट। अब यहाँ पर दिया गया जो बंदा को 50% के ऊपर मिला वो बंदा पास हो गया, अदरवाइज फेल हो गया, ठीक है। उसका साथ क्या देना है, उसका साथ कंडीशन और फॉर्मेटिंग भी लगाना है। जो बंदा पास किया है उसको ग्रीन सिग्नल है, जो फेल किया है उसको रेड सिग्नल है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 3, हाँ 3 बंदा फेल किया है, मतलब ऐसे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला गया है, बट सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, हो सकता 10-12 क्लास, जितना भी क्लास है सब क्लास के लिए ऐसा मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है, तो इसको बनाना है, ठीक है। अभी मानिए इसको बनाने के लिए मुझे तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज और कम होगा तो और भी ज्यादा लग सकता है, जो भी है कुछ तो समय लगेगा, ठीक है। मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट लग रहा है एक प्रोजेक्ट बनाने में, और ऐसे 10-20 क्लास है, ठीक है, ऐसे डेटा दिया हुआ है, 10-12 डेटा दिया हुआ है, तो बहुत टाइम लगेगा आपको, बट हम सब इतना टाइम नहीं लगाएंगे। किसका हेल्प लेना है, मैक्रोस का हेल्प लेना है। देखिए यहाँ पर मेरा एक नॉर्मल सा डेटा है ना, एक नॉर्मल सा डेटा है, एक बार सिर्फ मेहनत करना है, उसके बाद क्या करना है, कर्सर को यहाँ पर रखना है, उसके बाद देखिए मैं शॉर्टकट की पहले से बना के रखा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट जब बी प्रेस करोगे 1-2 सेकेंड का टाइम लेगा कंप्यूटर, आपका सामने ऑटोमेटिकली जो जैसे आप देखे थे ऐसे ही रिपोर्ट देखिए बन चुका है, आपको कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो मैं क्या प्रेस किए थे, कंट्रोल शिफ्ट बी मतलब मैक्रो को रन करा है, देखिए ऑटोमेटिकली मैक्रो रन हो चुका है, जैसा रिपोर्ट था ऐसे ही बन गया, देख रहे हैं ना, जो नॉर्मल डेटा था उसी का ऊपर रिपोर्ट, देखिए 1 2 3 4 चार बंदा फेल किया, इससे पहले आपको दिखाए थे 3 बंदा फेल किया था, बट उसी में क्या है, नेक्स्ट जो डेटा मिला है उसी में 4 बंदा फेल कर चुका है, देख सकते हैं इसमें 4 बंदा फेल हो चुका है, तो देख रहे हैं ना, तो बट ऑटोमेटिकली बन चुका है। मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ शॉर्टकट की प्रेस किए हैं, 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है, जो मैं कॉपी मैक्रो में डाले थे वो ऑटोमेटिकली करके दिया है। ये जो मजेदार जो एक ट्रिक्स है सबको सीखना चाहिए, जिसको एक्सेल में कुछ भी नॉलेज है, मैक्रो नहीं आएगा तो एक्सेल का नॉलेज तो बेकार ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज का जो वीडियो लाया हूँ ना, एकदम मैक्रोस को पूरा डिटेल्स में क्लियर करना है। तो ओके गाइस, तो हम सब क्या सीखना है, आज का वीडियो क्या सीखना है, मैक्रो सीखना है।
चलिए शुरू करते हैं, मैक्रोस क्या है पूरा डिटेल्स में क्लियर करते हैं। तो ये तो दो सीट दिखा दिए, दो सीट हो चुका है, ये दो सीट को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो एक को डिलीट कर देता हूँ, एक डेमो रख देते हैं, आप सबको दिखा देंगे कैसा डेमो था, ये बार दिखा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर मेरा बहुत सारा है, एक दो तीन चार, चार डेटा है। अभी चार डेटा में ऐसे चार बार करोगे तो ये सब लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, चार क्या 40 भी हो सकता है। तो मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, चार डेटा है ना, 40-50 भी हो सकते हैं, जैसे आप सबका प्रोजेक्ट मिलता है और एक ही काम आप बार बार कर रहे हो, तो एक ही काम हम सब बार बार क्यों करेंगे। तो हम सबको क्लियर करना है मैक्रोस, मैक्रोस क्या होता है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो काम मुझे बार बार करना है, जो पैटर्न जो बनाना है, सब में एक ही पैटर्न बनाना है, मतलब क्या सब में एक ही काम करना है। अभी जब भी एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ेगा ना, तो हम सब बार बार नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको रिकॉर्डिंग करा के रख देंगे, रिकॉर्डिंग। अभी हाँ क्या रिकॉर्डिंग कराएंगे, नॉट वीडियो रिकॉर्डिंग, मैक्रोस का काम क्या है, स्टेप रिकॉर्डिंग करता है, जैसा आप यहाँ पर यहाँ से कर सब यहाँ पर ले जाते हो, कुछ कलर करते हो, सबको सब रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो मैक्रोस को मैक्रोस यूज करके क्या करेंगे, मैक्रोस यूज करके हम सब क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग कराएंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए बस शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम सब शुरू करते हैं मैक्रोस, ओके। ऐसा जो डेमो है, डेमो बनाना है, बट उसके लिए क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। अभी देखिए मैक्रोस कहाँ पर मिलेगा, एक तो होता है डेवलपर, डेवलपर में मैक्रोस मिल जाता है, देखिए यहाँ पर डेवलपर है, नहीं तो व्यू में भी आपको मैक्रोस मिल जाएगा, ठीक है। तो आज तो हम सब व्यू से ही काम चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम हम सब क्या करेंगे, रिलेटेड रेफरेंस सीखेंगे। आज जो रेफरेंस सीखना है उसका, उसको बाय डिफॉल्ट हम सब एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप आज जो सीखना है एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम सब रिलेटेड रेफरेंस सीखेंगे, बट आज नहीं सीखेंगे, आज एकदम एक्सेल जो मैक्रो है ना, मैक्रो का एकदम बेसिक सीखना है, एकदम बेसिक। बट बेसिक भी बहुत काम में आ रहा है, आप सब देख ही रहे हो, जो एग्जांपल दिखाया हूँ बहुत काम में आ रहा है। अब ये नहीं करोगे तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा, देखिए आपको मेहनत हम सब कम कर रहे हैं, कैसे कम करेंगे, मैक्रो का हेल्प से कम करेंगे। चलिए मैक्रोस शुरू करते, तो मैक्रोस क्या बोले थे, मैक्रोस का क्या काम है, मैक्रोस का काम है रिकॉर्डिंग करना, क्या रिकॉर्डिंग करता है, स्टेप रिकॉर्डिंग करता है, नॉट वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो हम सब रिकॉर्डिंग कराएंगे, जो भी काम करेंगे ना उसी को रिकॉर्डिंग कराएंगे। एक बार रिकॉर्डिंग करा लोगे तो बस एक ही चीज़ तो बार बार आपको चाहिए, तो एक बार सिर्फ शॉर्टकट की प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चलिए एक बार शुरू करते हैं मैक्रोस का, ठीक है। तो मैक्रो ऑन करेंगे, मैक्रो कैसे ऑन करोगे, व्यू में जाओगे, यहाँ से मैक्रोस ऑन कर सकते हो, या यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो, नीचे में जो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, मैक्रो का नाम बोल रहा है देने के लिए, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मानिए मैं एक नाम दे देता हूँ, स्कूल प्रोजेक्ट बोल के एक मैक्रो का नाम दे देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट की कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं एम कर दिया हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एम, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट एम, दिस वर्कबुक है मतलब इसी में करना है, चलिए इसी में रहने दीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे दीजिए कुछ स्कूल प्रोजेक्ट क्रिएट, स्कूल प्रोजेक्ट हम सब क्रिएट कर रहे हैं, ओके कर दीजिए। जब भी आप ओके करोगे तो क्या होगा, असाइन मैक्रो डिफरेंट, ओ ये ऑलरेडी शॉर्टकट की ऑलरेडी हम मैं दे चुका हूँ, तो इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, देख रही है, ओ देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ सपोर्ट कर रहा है कि हाँ सपोर्ट कर गया, ऑलरेडी मैं उसको असाइन कर दिया थे, एम वाला नहीं किया। तो हम सबका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, याद रखिएगा ओ, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट ओ। चलिए मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, देखिए एक तो नीचे देखिए एक जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया दिखा रहा है, ए मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, ठीक है। और एक कहाँ से दिखा आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पर पहले क्या बोल रहा था, रिकॉर्डिंग मैक्रो, अभी बोला है स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अभी क्या रिकॉर्डिंग करना है, जो काम है उसी को रिकॉर्डिंग करना है, देखिए मुझे क्या क्या बनाना है प्रोजेक्ट में, तो पहले क्या बोले थे यहाँ पर दो कलम को इंसर्ट करना है, तो हम सब यहाँ पर दो कलम इंसर्ट कर देते, कंट्रोल प्लस दो कलम इंसर्ट कर दिए, क्या नाम दिए थे, क्लास दिए थे, तो इस जैसे इस थोड़ा सा कैप सार मिला के है, तो हम सब भी ऐसे ही कर देते हैं क्लास, उसका बाद देते हैं, क्लास का बाद क्या था, सेक्शन था, तो हम सब कर दिए सेक्शन, ठीक है, दो कलम इंसर्ट कर दिए। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर फॉर्मूला जो जो चाहिए, सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालना है, तो चलिए टोटल मार्क्स नहीं ऑप्टेन मार्क्स, मतलब कितना मिला है,
तो लिख दीजिए ऑप्टेंड मार्क्स, MARKS मार्क्स, ठीक है। अभी ऑप्टेंड मार्क्स हो गया, टैप कर दीजिए और क्या क्या करना है एक साथ ही लिख दीजिए, उसका बाद एकदम कर शुरू करते हैं। परसेंटेज भी चाहिए, अच्छा बात है। उसके बाद ग्रेड चाहिए, अच्छा बात है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी चाहिए, स्टेटस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, मतलब पास फेल। तो सबसे पहले ऑप्टेन मार्क्स को शुरू करते हैं, मतलब टोटल कितना मिला है। टोटल कैसे निकालते हो, सम लगा के निकालते हैं, सम टैप, है ना। आ ये सब फंक्शन के बारे में आपको पता नहीं है तो एक वीडियो है, बहुत सारा फंक्शन के बारे में क्लियर किया, 10-12 फंक्शन एक साथ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को भी आप सब देख सकते हो। तो कहाँ से जोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है, पैकेट बंद, क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है, तो वहां पर ही रह जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो इसमें डबल क्लिक कर दिए तो क्या होगा, सबका ऑप्टेन मार्क्स निकल चुका, एक तो काम खत्म हो गया। परसेंटेज निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं, मुझे कितना मिला, इतना मिला है, डिवाइडेड बाय कितना में मिला है, 500 में मिला है। सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है, एंटर कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए परसेंटेज, इसको परसेंटेज बोलते हैं बट सिंबल नहीं है, तो क्या करना है, सिंबल होम में जाके आप सिंबल लगा दीजिए, तो परसेंटेज हो चुका है। अभी ग्रेड में आते हैं, ग्रेड में क्या है, थोड़ा सा बड़ा है कि वो बहुत सारा परसेंटेज ए प्लस ए बी प्लस ऐसा लिखा हुआ है, चलिए करते, कोई दिक्कत नहीं। इफ कंडीशन लगाइए आप, हाँ लॉजिकल फंक्शन पता नहीं है तो बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं। तो परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेशन है, इसका बोलेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85%। जो बंदा को 85% मिला है तो किसको क्या बोलेंगे, ए प्लस ग्रेड देते हैं, ए प्लस ग्रेड दे देते हैं। जैसे आपके स्कूल में जो जैसे कंडीशन है ऐसे होगा, ठीक है ना। तो मेरा जो स्कूल है उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। फिर से बोलेंगे ए वाला सेल में, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो फॉर्मूला भी आप सबको पता चल जाएगा। ए वाला सेल में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75% कर देते हैं, तो कॉमा देके क्या बोलोगे, ए बोलोगे, ए ग्रेड दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सबको कुछ ग्रेड बना लेते हैं फटाफट करके, इसको ग्रेटर देन इज, पहले ग्रेटर देन कर दीजिए नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65%, इसको क्या बोलोगे, इसको बोल दीजिए बी प्लस बोलिए, बी प्लस ग्रेड होगा इनका, अच्छा बात है। फिर से एक बार इफ लगा देते हैं, तो मल्टीपल इफ यूज कर रहा हूं, तो मल्टीपल इफ जब भी यूज करोगे ना इंटरव्यू में, ये भी क्वेश्चन किया जाता है, नेस्टेड इफ किसे बोलते हैं, ठीक है, नेस्टेड इफ हमें, हम सब किसे बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो मल्टीपल कोई से भी फंक्शन, नेस्टेड मतलब नेस्टेड भी लुका, नेस्टेड इफ मतलब कोई से भी फंक्शन बार बार यूज करते हो तो उसी को नेस्टेड बोलते हैं। तो अभी जो इफ कंडीशन लगा रहे हैं तो नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, बार बार इफ को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी 50% के ऊपर होगा तो क्या बोलोगे, उसको बोलोगे बी ग्रेड है, ठीक है, कॉमा, ओके। अदरवाइज जो सब ग्रेड में नहीं आएगा तो उसको क्या बोलोगे, फेल बोल दीजिए, वो सब बंदा फेल हो गया, फेल, ठीक है। अभी जितना ब्रैकेट ओपन किए थे उसको बंद करना है, 1 2 3 4 कर दिए, 1 2 3 4 कंट्रोल एंटर, तो ग्रेड आ चुका है, इसको डबल क्लिक, तो ग्रेड मिल गया। इसमें आपका स्टेटस रिपोर्ट निकालना है, जो बंदा को ना 50% का ऊपर मिला है वही बंदा पास हो गया, जो बंदा 50% के ऊपर नहीं मिला, 50% या 50%, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब यही होता है 50% या 50%, जिसको मिला उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे पास, वो सब बंदा क्या हो गया, पास हो गया। और जो कर नहीं पाया तो उसको क्या बोलोगे, फेल, FAIL फेल, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल एंटर। तो पास है पहले ही डबल क्लिक कीजिए तो फेल पास आ जाएगा, देख रहे हैं फेल आए, हाँ ठीक है, चलिए। तो ऐसा मैं डेटा बना लिया हूं, अभी इसी डेटा में क्या करना है, डेटा को सुंदर करना है। कर्सर को यहाँ पर रखिए, पूरा हेडिंग को सिलेक्शन कीजिए, कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, पूरा हेडिंग सिलेक्शन हो गया, इसी के ऊपर राइट बटन क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाना है, एक विंडो ओपन होगा, हो चुका है। थोड़ा सा सुंदर कलर देते हैं, अभी सुंदर कलर कैसे दोगे, फील्ड में जाकर दो कलर कॉम्बिनेशन देना होता है, ये सब पता नहीं है तो एक्सेल का बेसिक में अपलोड कर चुका हूं, उसको भी आप सब देख सकते हो, ठीक है। चलिए जो डेमो था ना वैसे ही बना देते हैं, डेमो में जैसा कलर था ऐसे ही दे देते हैं, तो आप सबको पता चल जाएगा, हाँ डेमो वाला ही है। फॉन्ट में हम सब येलो दिए थे, बोल्ड करके फॉन्ट में येलो कर दिए थे, येलो,
ओके कर देते हैं। ओके जब करोगे तो हो चुका है सुंदर सा कालार। अभी इसको बीच में रख दीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा चाहिए कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। बॉर्डर देना है तो कैसे बॉर्डर दोगे, बॉर्डर में क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर जाके क्या करना है, बॉर्डर में जाके हम सब पर ऑल बॉर्डर को सिलेक्शन कर दिए तो बॉर्डर तो आ जाएगा, बॉर्डर आ चुका है। हाँ, एक कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, बाहर रखना है तो रख भी सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। तो इसको ना अभी सबको थोड़ा रिसाइज करना है, तो रिसाइज एक बार में कर देंगे। अभी नीचे वाला को ठीक करते हैं, नीचे वाला को जो डेटा है इसको भी ठीक करते हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट शिफ्ट दबा के थोड़ा धीरे धीरे आके ऐसे सिलेक्शन कर देते, इतना था, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, एकदम सिलेक्शन हो गया। अभी इसको भी थोड़ा सा सुंदर कर दीजिए। सुंदर कैसे करना है, बीच में डालोगे, बॉर्डर देना है, बॉर्डर लग चुका है, वो ऊपर वाला जैसा था वही आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बोल्ड भी कर दीजिए, देखने में सुंदर जैसे लगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी और क्या बड़ा करना है, चलिए और एक बार बड़ा कर देते, एकदम आंख में बड़ा बड़ा आएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, इसको थोड़ा सा क्या करना है, ऊपर में जो कट गया है इसको ठीक करना। देखिए अभी इसको ठीक कैसे करोगे, ये जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन एंटायर कलम सिलेक्शन कीजिए ऐसे, ठीक है, जहां तक है यहाँ तक ही है बस। और किसी का भी ऊपर एक बार डबल क्लिक कर दीजिए, इस यहाँ से कर दे डबल क्लिक, देखिए सब एकदम रिसाइज हो चुका है, सब कितना सुंदर रिसाइज हो चुका है, ठीक है। हाँ, और एक चीज किए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए थे, देखिए इसमें भी लगा दिए, सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्शन, कहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है, न्यू रूल में जाना है, सेकेंड वाला ऑप्शन चॉइस करते हैं। तो ये क्या था, टेक्स, तो इसको यहाँ से क्या लेना है, टेक्स। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पता नहीं है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 8-9 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ग्रीन सिग्नल दे दिए। अभी कोई अलग सा सिग्नल देना है तो अलग सा भी सिग्नल दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। चलिए फॉर्मेट में जाकर थोड़ा सा अलग सा सिग्नल ही दे देते हैं, थोड़ा डेमो अलग कर देते हैं, ठीक है, चलिए इसी को रखते हैं, ओके कर देते हैं। तो पास में ऐसे ही हो गया। अभी फिर से जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, अभी न्यू रूल में जाके सेकेंड ऑप्शन, जैसे आप फेल में भी करना है तो ऐसे ही कर दीजिए, सिलेक्शन करके फेल को क्या करना, रेड सिग्नल कर दीजिए, फेल को ही रेड कर दीजिए, तो एकदम इंडिकेट हो जाता है कितना बंदा फेल किया है, ठीक है। तो हो चुका है, हो चुका है। इसमें अभी बॉर्डर कोई चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, चेंज करना है तो देखिए बॉर्डर कलर मैं चेंज कर देता हूँ एक बार, ये भी आप सब क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर कलर इसमें क्या दे, येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जब क्लिक करोगे ना, देखिए बॉर्डर कलर हो चुका है। तो सुंदर सा डेटा हम सब एक प्रोजेक्ट बना लिए। अभी कर्सर को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, जो जो किया हूँ सब कॉपी हो चुका है, मतलब रिकॉर्डिंग हो चुका है। अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए, बंद हो चुका है, बंद हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, देखिए अभी और तो प्रोजेक्ट है, इसमें आपको और कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें जारी रखिए, कर्सर को यहाँ पर रख दीजिए। अभी क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, याद है कंट्रोल शिफ्ट ओ दिए थे, तो आप सब कीजिए कंट्रोल शिफ्ट ओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकेंड लगेगा, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही लगता है। तो एक बार आप कर दीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा मशीन ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा। देखिए प्रोजेक्ट बना के दे चुका है, एक बार देख लीजिए सही से दिया है कि नहीं। आहा, कितना सुंदर दिया है, कितना सुंदर, देखिए कितना बंदा फेल हो गया, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, अरे बाबा ये तो बहुत ज्यादा ही बंदा फेल हो चुका है इस क्लास में, क्लास 9 में, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या ना, इसको गैप क्यों रखे हैं, क्योंकि इसका सब क्लास तो अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप सब यहाँ पर IX कर दीजिए, थोड़ा कैप्स में कर दीजिए, देखने में सुंदर लगता है। जो भी सेक्शन होगा ABC जो भी होगा लिख दीजिए, इसको डबल सिलेक्शन करके डबल क्लिक, क्योंकि अलग अलग क्लास होगा इसलिए इसको मैं गैप रखे थे, ठीक है ना। तो आप भी ऐसा करके बना लोगे ना तो कितना इजीली होता है आपको जो
अभी कुछ करने का जरूरत नहीं। हाँ, इसका डेटा अलग अलग है, नाम अलग अलग है, स्टूडेंट आईडी वगैरह अलग है, कोई टेंशन नहीं। आप सिर्फ इसमें कर्सर को रखिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ को प्रेस कीजिए और थोड़ा सा एक दो सेकंड में क्या होगा, आपका सामने रिपोर्ट आ जाएगा। जो जो आप किए थे ना वही कंप्यूटर कर रहा है, जो जो आप कॉपी पेस्ट है, जो जो आप सब किए थे, बॉर्डर लगाना, ए लगाना, ओ लगाना, जो जो आप किए हैं सब वही कंप्यूटर करके दे रहा है। देखिए ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्रिएट कर रहा है। जब भी क्रिएट हो चुका है, देखिए आपका सामने जो नया डेटा था ना, नया डेटा में प्रोजेक्ट बन चुका है। ये जो नया डेटा है, नया डेटा में प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सब कर सकते हैं, कुछ भी डेटा हो, कुछ भी डेटा हो तो हम सब ऐसे ही कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर को रखना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर देना है, मतलब जो शॉर्टकट की हम सब लिए थे, जो शॉर्टकट की लिए थे उसी को प्रेस करना है। तो थोड़ा सा एक दो सेकंड लगता है, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप सबको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बट आप सबको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे ही हम सब एक बार प्रोजेक्ट बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा जैसे भी है, जैसे देखिए इसमें थोड़ा फेल कम हो गया, एक 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 जैसे फेल है ऐसे दिया है, एक दो तीन चार ऐसे ऐसे करके फेल है, ठीक है। बट इसका आगे देखिए और थोड़ा ज्यादा फेल है, देख रहे हैं ना, दो दो करके फेल है। जैसा डेटा था उसी हिसाब से बना है, डेटा का डेटा तो ऐसे ही है, डेटा में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट जैसे आप परसेंटेज बनाए तो वही परसेंटेज है, जैसे है वैसे दिया हुआ है। तो डेटा का ऊपर डिपेंड करके ये रिपोर्ट बन रहा है, बट एक बार मैं मेहनत कर लिए तो काम कितना आसान हो गया ना। तो मैक्रो का काम ही है काम को आसान करना। अब क्या आसान करता है, जो काम आपको बार बार रखता है लगता है उसी को आप रिकॉर्डिंग करा दीजिए, तो काम कितना इजी हो गया। क्योंकि आपको अभी 10-15 कितना स्कूल का काम हो सकता है, तो आप क्या बार बार थोड़ी करोगे इतना मेहनत, तो एक बार मेहनत कर लीजिए, रिकॉर्डिंग करके रखिए, क्योंकि यही तो काम करना था। सब प्रोजेक्ट में तो एक परसेंटेज निकालो, ग्रेड निकालो, स्टेटस रिपोर्ट निकालो, उसके साथ कंडीशन फॉर्मेटिंग देने के लिए बोला वो निकालो, सुंदर सा रिपोर्ट बनाने के लिए बॉर्डर टोडर चाहिए तो कर दीजिए। तो एक बार ही तो करना था, और बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सीओ जाके क्या कर रहे हो, वहां पर जाके कंट्रोल शिफ्ट ओ कर रहे हो, जो शॉर्टकट की लिखे थे, जो आपका शॉर्टकट की रहेगा वही करना है। तो यही था सुंदर सा मैक्रो का काम। तो आशा करते गाइस आज जो मैक्रो सिखाए थे एकदम मैक्रो का बेसिक था, मतलब बिगिनर के लिए ये मैक्रोस था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लाएंगे इसी को, लाएंगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल में, क्योंकि देखिए इसमें एक कमी है। क्या कमी है, ये जो डेटा है ना सबके लिए 20 है, सबके लिए 20 मैं डेटा रखा हूँ। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है सब स्टूडेंट सब क्लास में एक ही 20 स्टूडेंट ही होगा, ठीक है ना, किसी क्लास में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्या सीखना है, रिलेटेड रेफरेंस, यही काम सीखेंगे, बट रिलेटेड रेफरेंस लगा के। अभी जो सीखे हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब बाय डिफॉल्ट जो रहता है एब्सोल्यूट रेफरेंस का काम सीखे हैं, फिर भी तो काम में आ रहा है, बहुत बड़ा काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मैक्रो का कमाल का काम था, आशा करते हैं गाइस आप सबका बहुत मजा आया होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, जहां पर दिक्कत हो रहा है कमेंट में कीजिए, कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं एकदम रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं गाइस आप सबको वीडियो क्लियर हो चुका है, तो मैं टॉपिक को यहां पर ही बंद कर रहा हूं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय गाइस।